स्वागत है मित्रों आपका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है नेचर एनवायरनमेंट एंड गार्डनिंग पर। आज हम बात करने वाले हैं इस पौधे के बारे में और ये एक देसी पौधा है। काफ़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं इस पौधे की और इस पौधे का नाम है बासा, वासा या अडूसा। अलग अलग लैंग्वेज या भाषाओं में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कई जगहों पर इसको सफ़ेद बासा भी बोला जाता है, कई जगहों पर जो है इसको जो है अडूसा बोला जाता है और कई जगहों पर इसको जो है सिर्फ बासा या वासा भी बोलते हैं। तो ये हमारा एक देसी पौधा है, लेकिन अब जो है ये बहुत कम धीरे धीरे होना शुरू हो चुका है क्योंकि लोग जो हैं इसको आसपास अब नहीं लगा रहे और गाँव में भी जहाँ पर ये कभी बहुतायत से पाया जाता था अब ये वहाँ पर भी कम होना शुरू हो चुका है। तो ये जो बासा या वासा है ये एक मेडिसिनल प्लांट है और एक ऑर्नामेंटल पौधे की तरह भी इसका यूज़ करा जा सकता है। यहाँ पर मेरा जो गार्डन है उसमें मैंने इसको ऑर्नामेंटली जो है वो लगाया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको जो है मैंने अपनी क्यारी में स्थान दिया है। बहुत सुंदर पौधा है, इसकी पत्तियाँ देखिए काफ़ी अच्छी हैं और मतलब इसका ऑर्नामेंटल वैल्यू भी है। तो सिर्फ मेडिसिनल वैल्यू के अलावा, मेडिसिनल वैल्यू तो है ही है, इसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो वो क्या है ऑर्नामेंटल वैल्यू है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू की। पत्ते तो इसके सुंदर हैं ही, फरवरी मार्च में इसमें सफ़ेद कलर के फूल लगते हैं जिसको भगवान शिव पर भी चढ़ाया जाता है। काफ़ी सुंदर ये फूल होते हैं और ये पौधा जो है कम पानी में, कम देखभाल में बहुत आराम से उगता है क्योंकि देसी पौधा है, जीवट पौधा है। बहुत सारी तितलियाँ इस पर आती हैं जब इस पर फूल लगते हैं। और अगर हम इसके जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें तो ये कफ़ सिरप बनाने में काफ़ी उपयोगी है। तो कफ़ में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग है आयुर्वेद में। और इसके पत्ते जो हैं तोड़कर उनको जो है अगर आप पानी के अंदर उबाल लेते हैं, 4 या 5 पत्तों को उबाल कर उनका काढ़ा बनाकर भी पी लेते हैं पानी को ठंडा करके, तो कितनी भी पुरानी खांसी हो तो उसमें उसकी रोकथाम करने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर रहता है। तो ये काफ़ी अच्छा पौधा है, काफ़ी आसानी से जो है इसको उगाया जा सकता है। लेकिन गलत बात ये है कि इसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू होते हुए भी हम इसको कद्र नहीं करते और आज जो है ये बहुत तेज़ी से गायब होता जा रहा है। आपका जो हमारे शहरी परिप्रेक्ष्य में से तो गायब हो ही चुका है, गाँव से भी ये धीरे धीरे गायब होता चला जा रहा है। तो इसको जो है हम किस प्रकार से जो है वो लगा सकते हैं, सबसे पहले तो इसकी देखभाल जो है मैं ज़्यादा नहीं करता, बहुत आराम से जो है इसकी देखभाल जो है करने की ज़्यादा आवश्यकता हमें नहीं पड़ती। तो इसको उगाना कैसे है, उगा हम इसको बीजों से सकते हैं या फिर इसको हम आराम से कटिंग से तैयार कर सकते हैं। कटिंग से तैयार करने का जो मौसम है या तो फरवरी मार्च का मौसम है या फिर आप जून जुलाई में भी इसको कटिंग से आराम से तैयार कर सकते हैं। तो कटिंग से क्या करना है, जो इसकी आप देखेंगे हरी टहनी नहीं लेनी, जो इसकी मैच्योर टहनी है, जो ब्राउन कलर की टहनी है उसे लेना है और उसकी आप कटिंग तैयार करते हैं। उसमें 2 या 3 नोड होने चाहिए, कटिंग लेकर बस सिर्फ 2-3 नोड को लेनी है कटिंग और ये जो इसमें से एक नोड है उसको ज़मीन के अंदर डाल देना है और कुछ दिन बाद जो है आराम से इसमें से जो है स्फुटन हो जाता है और नई नई पत्तियाँ निकलने लगती है और आपका नया पौधा जो है तैयार हो जाता है। तो आज जो मेरा नया ये वीडियो बनाने का जो मेन मकसद ये था कि आपको ये बता सकें कि जो है इस पौधे की क्या वैल्यू है, इसको क्यों लगाना ज़रूरी है। ऑर्नामेंटल तो है ही है, साथ में इसको जो है आप इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है और इसको आप आराम से अपने घर में लगाकर खांसी को रोक सकते हैं। इसके अलावा ये जो है इसके पत्तों का जो रस अगर आप यूज़ करते हैं तो ये कीटनाशक का भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है क्योंकि कोई भी गाय भैंस जानवर इसको नहीं खाता और इस पर भी बहुत कम इंसेक्ट अटैक होता है, तो इसकी वजह से इसको एक इंसेक्टिसाइड की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है, अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद और मेरा YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।